नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं NBC 24। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म का पहला मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी गई है। अब खबरें आ रही हैं कि बाहुबली निर्देशक SS राजामौली, फिल्म निर्देशक आयान मुखर्जी और फॉक्स स्टूडियोज के साथ मिलकर फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी पेश करेंगे। बाहुबली निर्देशक ने घोषणा की है कि वो फिल्म ब्रह्मास्त्र को दक्षिण भारत में 4 तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में पेश करेंगे। ब्रह्मास्त्र एक बड़े दृष्टिकोण की फिल्म है। पावर हाउस टाइटल वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र को व्यापक बाजार में पेश करने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। को बता दें कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान फिल्म के मोशन पोस्टर को और रिलीज डेट का ऐलान किया गया था। कार्यक्रम में ऐलान किया गया कि ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 शिवा अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगा। फॉक्स स्टार स्टूडियोज, धर्मा प्रोडक्शन, प्राइम फॉक्स और स्टारलाइट पिक्चर्स द्वारा निर्मित ये मैग्नम ओप्स फिल्म 9 दिसंबर को हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी। धर्मा प्रोडक्शन की सबसे महंगी फिल्म साबित होगी ब्रह्मास्त्र। इस फिल्म में आलिया भट्ट रणबीर कपूर में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। दोनों के अलावा फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, नागा अर्जुन और मोनी रॉय अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। आयान मुखर्जी द्वारा इन फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 कहलाएगा। इसका पार्ट 2 शिवा अगले साल रिलीज होगा, ऐसा निर्देशकों ने बताया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को रिलीज होगी, ऐसा ऐलान किया गया है कुछ दिन पहले ही दिल्ली में। आपको बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म साबित होती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी करती है और इसका प्रमोशन आगे कैसा होता है, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि खबरें आ रही है कि बाहुबली से भी ज्यादा दर्शक पसंद करेंगे। जितना बाहुबली मूवी को प्यार मिला था, उससे ज्यादा ब्रह्मास्त्र को प्यार मिलेगा, ऐसा निर्देशक ऐसा कहते हैं। अब ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रंग लाता है, ये तो देखने की बात होगी। ऐसी ही तमाम एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।